मैं जानता हूं हमजा को, और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि एनी बेकसूर है। आज जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में। हाँ, मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। लड़की से सब सुकून से तमीज से बात करते हैं। हैनी और हमजा भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ईमन का तो वैसे दिमाग खराब है, उसको काक वास्ता बोले कि हमारे मामलात से दूर है। तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस तरह इसका लड़कों से बात करना तुम्हें ठीक लगता है? बस इतना जानता हूँ कि एनी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, और ये बात आप लोग भी सुन लें कि कोई भी एनी पर उंगली उठाएगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा शौक था ना आप लोगों को कि शादी कर लो, बड़े हो जाओ, जिम्मेदारी उठा लो। तो कर ली शादी, हो गए बड़े, उठा ली जिम्मेदारी, खुदा का वास्ते हमें अकेला छोड़ते और दूर हो जाए हमसे। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाएगा इसका हक मैं किसी को नहीं दूंगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चलो। एनी तो बहुत चालाक निकली, कैसे फायर को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, उसकी आंखों पे कैसे पट्टी बांध दी उसने। अगर अभी नहीं समझाया ना उसे तो आगे चल के बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं है, फाखर का मसला है। वो शादीशुदा है और इन दोनों को अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। अगर फाखर एनी की तरफदारी कर रहा है तो आप सब लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप लोग खुद खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तो शिकायत थी आप सब लोगों को कि ये दोनों अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस वक्त वो अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? हाँ हाँ, तुम तो साथ दोगी, तुम्हारी बेटी जो है। लेकिन अम्मा, आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती। आप बात करें फाखिर से, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एनी का घर से बाहर निकलना बंद करें, बिठाए उसे घर पे। कैसी बातें कर रही हो फहमी? फाखिर कभी इस फैसले को नहीं मानेगा, बीवी का जो होकर रह गया है। वो इतना मना किया था, इन्हें इतना मना किया था कि एनी को इतनी ज्यादा छूट मत दो, लेकिन नहीं, इन्हें तो मॉडर्न सास बनने का शौक था, अब भुगतो। आप सब लोग एक ही रुख क्यों देख रहे हैं इस तस्वीर का? अगर फाखिर एनी पर यकीन कर रहा है तो इसमें कोई तो सच्चाई होगी। एनी शायद गलत ना हो, ये भी तो सोचे। और एक शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा है, ये बच्ची पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वरना फाखिर सबके सामने इस तरह एनी की तरफदारी नहीं करता, नहीं खड़ा होता उसके साथ। अच्छा, तो क्या मेरी अमन झूठ बोल रही है? और वो तस्वीरें, वो भी झूठ थी? या आप भी एनी की तरह हम सब की आंखों में पट्टी बांधना चाह रही हैं? फाखिर को अगर नहीं समझाया ना तो हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा, खासतौर पे फाखिर को। आयशा, मुझे पता है भाभी आप क्या बात करने आई हैं फाखिर और एनी के बारे में। सबके सामने मुनासिब नहीं लगा मुझे बात करना, इसलिए अकेले में बात करने आई हूँ। तुम माँ हो एनी की और मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड भाभी, एक मिनट, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दें। आपको लगता है मेरी एनी झूठ बोल रही है? आपको लगता है एनी ऐसा कर सकती है? पाला है आपने उसे, फिर क्यों मान रही है सबकी बातों को? देखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है, एनी पर उंगलियां उठ चुकी हैं, इस पर इल्जाम लग चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो सही है क्या गलत? देखो आयशा, तुम्हें उसे समझाना होगा। अच्छा, तो क्या करूं मैं, क्या चाहती हूँ मैं? फाखर को भी समझाना चाहती हूँ, लेकिन अभी उससे बात नहीं कर रही मैं, गुस्से में है वो। जज्बाती होता है तो किसी की बात नहीं सुनता है वो। समझाऊंगी मैं उसे। तुम्हें एनी को समझाना है, ये मनमानियां छोड़नी होंगी उसको। एनी ने अपनी मनमानियां की ही कब है भाभी? तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हें लगता है ये सब सही है? भाभी, फाखर को एनी पर यकीन है, मुझे एनी पर यकीन है, आपको भी एनी पर यकीन होना चाहिए, लेकिन आप सबकी बातों में आ रही, क्योंकि मैं अंधी और बेवकूफ नहीं हूं।
क्या हुआ वहाँ पे? क्या कहा सबने एनी को? तुम्हें क्या बताऊँ मैं, सब बहुत गुस्सा आ रहे थे एनी पे। मैंने भी एक एक को जाके तस्वीर दिखाई, सबने खूब बातें सुनाई एनी को। अच्छा, मामू और रानी तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, सजा भी दी होगी एनी को, और फाखिर तो बात ही नहीं कर रहा होगा। फाखिर तो आज अलग ही रंग में था, सबके सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी की हिमायत में, सबको चुप करवा दिया, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्या फाखिर ऐसे कैसे कर सकता है, उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ, किसी भी शौहर को बीवी की ऐसी बातें पता चले तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाए, और यहाँ तो उल्टा था। फाखिर को किसी की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो अपनी बीवी की हिमायत में सबके सामने खड़ा हो गया, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने तो खूब कोशिश की लेकिन किसी को परवाह नहीं थी उस घर में। एनी का फोन, एनी मुझे कॉल कर रही है। हेलो एनी, तुमने मुझे फोन किया? हमजा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये सब करने का मकसद क्या था तुम्हारा? एनी, मैं, तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक तो तुम स्कूल में बहाने से मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए, मैंने तुम्हारी सारी पीछे की बातें बुलाकर तुम्हें चांस दिया कि हाँ मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तुमने हमारी ये पिक्चर लेके मेरी कजन को भेज दी, इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो, मेरा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? एक मिनट एनी, कौन सी फोटोग्राफ, किस फोटोग्राफ की बात कर रही हो तुम? और कौन सी कजन? मैं तुम्हारी किसी कजन को नहीं जानता। मेरी कजन एमन, जिसको तुम पढ़ाने जाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो तुम उसको। क्या एमन तुम्हारी कजन है? मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन खुदा के वास्ते जितनी मेरी जिंदगी मुश्किल है ना, उससे ज्यादा उसको मुश्किल मत करो। एनी एनी एनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में किसी ने गलत बात बोली है। और मैं तो जानता भी नहीं था कि एमन तुम्हारी कजन है यार, और जिसने भी ये बातें बोली है सब कुछ झूठ है यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझा, जो तुम खेल मेरे साथ खेल रहे हो ना, मत खेलो। तनि किन चीजों का बदला ले रहे हो तुम मुझसे, लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुनो। अच्छा, तुम जितना दूर रहो ना उतना बेहतर है। अब मुझे कॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और स्कूल में मेरे पास करीब आने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम कोशिश करना। इन सारी हरकतों की वजह से तुम्हारी मेरी जिंदगी दांव पे लग सकती है, समझ आई तुम्हें? एनी एनी, हेलो 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 एनी, देख ली अपनी बेटी की परवरिश? डाल दी ना उसने सर पर खाक। हाँ तो बाप होने के नाते आप कर लेते अपनी बेटी की परवरिश? तुमने अगर उसे इतनी ढील ना दी होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। तुमने सर पे चढ़ा के रखा उसे, बेटियों का किरदार माएं बनाती हैं जिसमें तुम नाकाम रही। तो कह तो रही हूं, कर लेते ना अपनी बेटी की परवरिश, लेकिन आपको कहां फुर्सत थी अपनी दूसरी बीवी के नखरे उठाने से, तो आप तो ये बात रहने ही थे। चार दिन अपनी माँ के पास रहकर आ गए तो बहुत जबान लग गई है तुम्हें? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? हिम्मत मुझे मेरी बेटी ने दी, काश ये हिम्मत पहले आ जाती तो जिंदगी इतनी मुश्किल में ना गुजार रही होती। मुझे तो था कि आप एनी को समझेंगी, और ये सब झूठ है, सारा इल्ज़ाम है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। मुझे था आप हमारा साथ देंगी, लेकिन आप उनके साथ खड़ी भी हैं। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे इस तरह नहीं आता जब तक लड़की की तरफ से कोई इशारा ना मिले, समझे? तो इस तरह एनी पर अंधा एतबार भी मत करो। मैं जानता हूँ एनी को, और मैं उस लड़के को भी जानता हूँ, वो खुद एनी के पीछे बड़ा हुआ है बिला वजह। एनी तो उसकी तरफ देखती भी नहीं ना, उससे बात करना चाहती। अच्छा, इतनी आजिज़ आई है, बात तक नहीं करती है? तस्वीर में क्या कर रही थी? पास खड़ी भी थी, बात भी कर रही थी, और ये लड़का तो घर तक आ चुका है, वो कैसे हुआ भाई? देखो फाखिर, कई दफा जो चीजें नजर आ रही होती है ना, वो वैसी होती नहीं है, हकीकत कुछ और होती है। आंखें खोलो अपनी, अंधों की तरह ना बैठे रहो। मुझे सब नजर आ रहा है, और बहुत जल्द आपको भी आ जाएगा। तो हद होती है भाई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हमारे घर में। तो अम्मा, फिर एनी को ऑल गर्ल्स स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? मैं भी तो को एजुकेशन में पढ़ता आया हूँ।
मुझ पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, और ऑब्वियसली स्कूल है, सब बात करते हैं आपस में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर बात पे शक करना शुरू हो जाओ। अच्छा बस करो, मुझे ज्यादा से खाने की कोशिश ना करो, सब जानती हूँ मैं, इतनी बातें सुननी पड़ी है मुझे, इज्जत का मामला है भाई। हमारी इज्जत भी इतनी कोई नाजुक नहीं है, सिर्फ एक गलत फहमी के ऊपर आप लोगों ने। अच्छा तो इसका मतलब है तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे और जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुनोगे, उसको अहमियत ही नहीं दोगे। हम आप मुझे भरोसा रखेंगे? आप क्यों बिला वजह फिक्र कर रही हैं? मैं और एनी सारा मामला देख लेंगे, आपस परेशान ना हो। जब कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रहना? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। हाँ जी जी जी, चलिए आई सन। क्या मतलब शौहर के बेटे? मेरे हस्बैंड की पहली बीवी से बच्चे हैं ना उनके, उनकी छोटी बेटी है ये, रुको, फायजा नाम है इसका। अरे राहिला क्या हो गया तुम्हें, तो बहुत छोटी है। उनकी दूसरी बेटी से थोड़ी सी बड़ी थी, हमने अभी उसकी भी शादी की, इसमें क्या मसला है? तो अब इतनी छोटी नन्नी मुन्नी बच्ची के लिए मैं नन्ने मुन्ने लड़कों के रिश्ते कहाँ से लाऊंगी? तुमसे किसने कहा है कि नन्ने मुन्ने बच्चों के रिश्ते चाहिए हमें? हम चाहते हैं कोई सेटल लड़का हो, अच्छा खाता कमाता हो, मेच्योर हो, ताकि संभाल तो सके ना उसको। खुद इमेच्योर होगा तो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा लड़का चाहिए जो इसको संभाल सके क्योंकि ये छोटी है। हाँ मेरे हस्बैंड और मैं चाहते हैं कि बस ये जिम्मेदारी हमारे सर से चल उतर जाए। इतना एज डिफरेंस होगा तो तुम मुझे खुद बताओ कि कैसे गुजारा करेगी? मेरा मसला नहीं है, खुद एडजस्ट कर लेंगे दोनों। अच्छा देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ी लिखी फैमिली के लड़के वाले इसको अपनी बहू एक्सेप्ट करेंगे, तो छोटी लड़की को। हमें किसी अच्छे खानदान में करनी भी नहीं है, छड़ा छाट लड़का भी अपना तो भी चलेगा, और शहर से बाहर हो तो और अच्छा है, बस पैसे अच्छे कमाता हो, सेटल, दैट्स इट।